जैसे ही आप एसी ऑन करते हो तो ऐसे आवाज आती है, ऐसा कुछ आवाज आता है। दोस्तों जो यहाँ पे पीछे एसी लगी हुई देख रहे हो, इस एसी को मैं तकरीबन 4 महीने से यूज कर रहा हूँ। ये वोल्टास का 1 टन का 5-स्टार इन्वर्टर एसी है और आज के वीडियो में इस एसी को रिव्यू करेंगे, बताएंगे सारी डिटेल्स और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक इंडियन कंज्यूमर के लिए क्या ये एसी आपको खरीदना चाहिए या नहीं, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरू। बात करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ एसी से रिलेटेड। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि भाई कौन सा एसी ले, इन्वर्टर ले, नॉन इन्वर्टर ले, विंडो एसी ले, स्प्लिट एसी ले, कितने टन का ले, अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। आपके लिए डिटेल्ड एसी बाइंग वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इस एसी को लेके कि अगर आप इस एसी का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन देखना चाहते हो तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, ये दोनों वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहां पे बात करें इस एसी के बारे में, वोल्टास के 1 टन 5-स्टार रेटिंग वाले इन्वर्टर एसी के बारे में। तो यहां पे सबसे पहले इसका जो मॉडल नंबर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिससे आप आसानी से समझ पाओ कि भाई मैं इसी मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं। और अब यहां पे बात करें इस एसी के लुक्स और डिजाइन के बारे में, तो यहां पे आपको इंडोर यूनिट में प्लास्टिक की बॉडी देखने मिल जाएगी। प्लास्टिक की मैं क्वालिटी कहना चाहूंगा काफी डिसेंट है, बहुत ही प्रीमियम तो नहीं है लेकिन फिर भी डिसेंट क्वालिटी का आपको प्लास्टिक इसमें देखने मिल जाएगा इंडोर यूनिट में। और बीच में देखे सेंटर में तो आपको देखने मिल जाएगी वोल्टास की ब्रांडिंग। और ये एसी मैंने अभी रिसेंटली लिया है, 3-4 महीने हुए, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके देख सकते हो प्लास्टिक वगैरह भी नहीं निकाला। और मेरे घर वाले मना करते हैं भाई प्लास्टिक अभी नहीं निकालेंगे, इसलिए मैंने प्लास्टिक भी नहीं निकाला हुआ है। और यहाँ पे बात करें आपको देखने मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ का बटन, जैसे आप एसी स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको रेड लाइट एलईडी देखने मिल जाएगी। और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पावर कंजम्पशन की सारी डिटेल्स, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि कितना पावर कंजम्पशन यहाँ पे दिया गया है। और बात करें इस एसी के राइट पैनल के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दी गई है सारी डिटेल्स, मॉडल नंबर, पावर सप्लाई और काफी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे बारकोड और वोल्टास की ब्रांडिंग का आपको स्टिकर भी देखने मिल जाएगा। और बात करें इस इंडोर यूनिट के राइट साइड में, तो यहां पे कुछ स्टिकर दिए गए हैं और ये 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर के साथ आता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी इस एसी की। और बात कर ले एयर कंडीशन के इस रिमोट कंट्रोल के बारे में, तो यहां पे आपको एक ओल्ड स्टाइलिस्ट रिमोट देखने को मिल जाएगा, जिसकी साइज भी काफ़ी बड़ी है, मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो तकरीबन 1 फुट से थोड़ा सा ही छोटा होगा ये रिमोट, थोड़ी लंबाई ज़्यादा है जो मुझे पसंद नहीं आई। और बात कर ले यहाँ पे कुछ डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे पावर का बटन दिया गया है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए प्लस एंड माइनस का बटन, बाद में यहाँ पे तरह तरह के मोड देखने मिल जाते हैं जिसमें आपको फास्ट कूलिंग का ऑप्शन दिया गया है और कम चाहिए तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे फैन का बटन दिया गया, जिससे आप फैन को कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग का ऑप्शन दिया गया है, बाद में स्लीप और लैम्प का भी आपको बटन देखने मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप समझ लो आप एसी यूज कर रहे हो तो उस समय आप इसको प्रेस करके आप इसको इसका जो एलईडी का जो लाइट है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ ही बात करें कुछ और बटन्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको टाइमर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, टेम्परेचर का बटन दिया गया है और सेट एंड वाईफाई का भी बटन दिया गया है, बट वाईफाई यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता इस मॉडल में, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और नीचे दी गई है वोल्टास की ब्रांडिंग। और बात करें पीछे साइड में रिमोट में, तो यहाँ पे आपको कस्टमर की डिटेल्स दी गई है, कस्टमर केयर के नंबर दिए गए और यहाँ पे एक QR कोड, बाकी तो कुछ खास नहीं। यहाँ पे आपको रेड कलर का जो सेंसर दिया गया है जिसके थ्रू ये रिमोट कंट्रोल काम करता है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। रिमोट कंट्रोल मैं कहना चाहूँगा उतना मज़ेदार नहीं है, थोड़ा ओल्ड स्टाइल लगता है और इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी बड़ी है। और अब बात करें
एसी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो होती है उसकी कूलिंग। एक एसी अगर कितना भी बढ़िया हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर उसकी कूलिंग ढंग की नहीं है, मतलब वो एसी कोई भी काम का नहीं, क्योंकि एसी का मेन प्राइमरी रिक्वायरमेंट कूलिंग करना ही होता है। तो यहाँ पे इस एसी को लेके मेरा एक्सपीरियंस कूलिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया रहा। इनफैक्ट मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गया और उसके बाद रूम इतना ज्यादा कूल हो चुका है कि उसके बाद मुझे एसी बंद करना पड़ा। आप लोग खुद ही देखते हो एसी इस समय बंद है और ये रूम का साइज तकरीबन 100 से 120 स्क्वायर फीट का है और 1 टन के हिसाब से ये परफेक्ट साइज होगा। इसी के साथ ही साथ कूलिंग के मामले में ये एसी बहुत ही बढ़िया काम करता है। और बात करें यहाँ पे कुछ तरह तरह के फीचर्स के बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं। मोड्स के थ्रू मतलब अगर समझ लो आप बाहर से आ रहे हो तो आप सीधा ये टर्बो मोड ही ऑन कर दो, जिससे रूम जल्दी और कम टाइम में कूल हो जाए और उसके बाद आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे प्रोविजन आपको इस रिमोट में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे एक एसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो इस एसी को मैंने फिलहाल विंटर अक्टूबर या नवंबर में ख़रीदा था और मुंबई में मतलब वैसा है कि वेदर कम ज़्यादा तो होता ही रहता, मतलब यहाँ पे गर्मी तो हमेशा ही रहती है। मतलब विंटर में भी हम लोग एसी थोड़ा बहुत यूज़ करते ही थे, जनवरी या फरवरी में थोड़ा कम किया था, बाकी टाइम तो ये चल ही रहा था, तो उस समय भी यूज़ हुआ और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ज़्यादा कंजम्पशन मैंने नहीं देखा। मतलब अगर नॉर्मली अगर मेरा बिल इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा था 1500 रुपये, तो यहाँ पे सिर्फ 200 या 300 रुपये बढ़ गए ये लगाने के बाद। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि एक एसी खरीदने के बाद भाई हर एक इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में ज़रूर आएगा कि भाई ये एसी तो ले लिया लेकिन उसका बिल भी हर महीने मैं बढ़ा, क्यों इतना लोड लो। तो यहाँ पे आपको बिल में भी आपको अच्छा बोलते ना ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा, इन शॉर्ट यही होगा। और यहाँ पे आपको सेवर का भी ऑप्शन दिया गया जो मैं आपको बताना भूल गया। तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन में भी यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो, ऐसा इस रिमोट में फीचर दिया गया है। तो दोस्तों ये बातें हो गई कुछ एसी की, कुछ पॉजिटिव साइड की जो मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे या फिर आप इसे इस एसी का कॉन्स भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप एसी स्विच ऑफ करते हो, मतलब यहाँ से बटन से ऑन किया और जब ऑफ करते हो, तो ये कुछ इमीडिएटली इसका जो फ्लैप है वो अंदर नहीं जाता। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये थोड़ा टाइम लेता है, मतलब ये इसके जो अंदर के फ़ैन वगैरह है सब जो एकदम आसानी से धीरे धीरे बंद होते हैं, तो आई थिंक 5 मिनट के बाद, 5 मिनट मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 5 मिनट के बंद होने के मतलब 5 मिनट पूरा हो जाता है उसके बाद ये जो फ्लैप है उसके बाद ही वो अंदर जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली मैं जैसा कि मैंने पावर यहाँ से ऑफ किया, इमीडिएटली फ्लैप बंद होना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होता, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस एसी की। दूसरी बात, यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ी सी प्लास्टिक का जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, और अगर ये वीडियो कोई भी वोल्टास ब्रांड से देख रहा है तो ज़रूर इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट कीजिए। थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में काम करने की ज़रूरत है, प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन साइड में लगती है, तो यहाँ पे आपको काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ रिमोट का डिज़ाइन भी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब आज के ज़माने में लोग स्लिम और ट्रिम की बात करते हैं, स्लिम और एकदम छोटे साइज़ का रिमोट पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ये इतना बड़ा रिमोट का डिज़ाइन मुझे तो पसंद नहीं आया, शायद किसी को पसंद आ भी सकता है जो लोग ओल्ड स्टाइलिश डिज़ाइन पसंद करते हो, बट मुझे पसंद नहीं आया। तो यही सारी बातें थे इस एसी के बारे में। और जहाँ तक सवाल है आउटडोर यूनिट का, तो आउटडोर यूनिट भी एक डिसेंट साइज़ में आता है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और 100% कॉपर कॉइल कंडेंसर है, तो लॉन्गर रन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जहाँ तक सवाल है उसके वाइब्रेंसी और साउंड के बारे में, जब वो आप जैसे ही एसी को स्विच ऑन करते हो, तो मैं इतना नहीं मतलब एकदम भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आता, फिर भी ठीक मतलब एक मिनिमम थोड़ा सा आवाज़ आता है। जैसे ही आप एसी ऑन करते हो तो ऐसे आवाज़ आती है, हाँ ऐसा कुछ आवाज़ आता है, तो और बाकी उसके बाद कम हो जाता है, तो इसी ढंग से वो काम करता है। और वाइब्रेंसी भी बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होता, तो आप आसानी से टेंशन फ्री रह के एक बार आपने फिट कर दिया, जहाँ पे भी रखना था रख दिया, उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आउटडोर यूनिट भी काफ़ी अच्छा है,
इस एसी का। और दोस्तों आप यहां पे बात करें इस एसी की प्राइसिंग और इसमें कितनी वारंटी मिली है, तो ये एसी मैंने परचेस किया था ऑफलाइन स्टोर से कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और अक्टूबर मंथ में मैंने परचेस किया था तो वहां पे प्राइसिंग थोड़ी सी कम थी, तो ये एसी मुझे तकरीबन 34,000 रुपीज का आ गया था और वो भी मैंने क्रेडिट कार्ड पे लिया था, तो नो कॉस्ट ईएमआई का भी बेनिफिट मिला और उसी के साथ ही साथ 5% का कैशबैक भी था। तो इसकी जो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है इस एसी की तकरीबन 31,500 रुपीज के आसपास, तो ये बहुत ही बढ़िया डील था। और इस समय इसकी प्राइसिंग ऑफलाइन में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको तकरीबन 35,000 से 36,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आप एक एसी लेने का प्लान कर रहे हो वन टन का 5-स्टार इन्वर्टर एसी, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, बहुत सारे ब्रांड है। तो जैसा अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मेरे दूसरे बेडरूम में मैंने एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी भी लगाया, तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, दोनों की प्राइसिंग लगभग सेम है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप ये लो या फिर वो एलजी वाला लो, तो मैं आपको रिकमेंड शायद करूंगा कि आप एलजी का डुअल इन्वर्टर लो। रीजन होगा कि उसकी कूलिंग इससे थोड़ी सी ज्यादा है और जो कूलिंग का जो बोलते हैं ना इफेक्ट है या फिर फील है उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा सा मेरे को उतना मजा नहीं आया इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। हालांकि ये भी कूलिंग बहुत ही बढ़िया करता है, लेकिन अगर मुझे आप पूछोगे दोनों में से, तो मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एलजी का डुअल इन्वर्टर लीजिए। और इसी के साथ ये सर्विस दोनों ही ब्रांड की बहुत ही बढ़िया है और प्राइसिंग भी लगभग दोनों की सेम ही है। यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है इस एसी का कि यहाँ पे आपको 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है अगर आप इसे ऑफलाइन स्टोर से लेते हो, और अगर ऑनलाइन लेते हो तो आपको 3 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, तो यही फर्क है। तो अगर आप ये एसी लेने का प्लान कर रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव या कोई भी राय हो तो जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। लेकिन उसके पहले, जाने के पहले, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लेके आते ही रहते हैं। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।